कल नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी डिक्लेयर हुई है और इसमें ना कि जस्ट प्रोड्यूसर्स बट इवन कंज्यूमर्स जो होंगे इस पर्टिकुलर एनर्जी के, उन सबको बेनिफिट्स मिले हैं, सॉप्स मिलने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 25 इयर्स तक इंटरस्टेट जो ट्रांसफर होगा वो कंप्लीटली फ्री रहेगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो आई थिंक बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हाइड्रोजन पॉलिसी में दिए जा रहे टू द कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग एंड हु आर यूजिंग। तो आज हम 3 हाइड्रोजन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो नाम मैं पहले बता देता हूं क्योंकि नाम जानना बहुत सारे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमीडिएटली, सो दैट उनके लिए वीडियो खत्म हो जाता है। सो टू ऑनर दैट, पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा नाम है गेल एंड तीसरा नाम है लार्सन एंड टूब्रो, सो LNT। तो ये 3 नाम है। सो नाम के लिए जो आए थे, आई थिंक वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। सो एटलीस्ट जाने से पहले लाइक कीजिएगा, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, मतलब थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट हो जाएगा आपकी तरफ से। अब काम के लिए जो आए उनके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये जो पॉलिसी है इसके जो बेनिफिशियरीज, ये जो 3 कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गेल एंड LNT, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी AGM में जैसे बताया था कि अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज इन नेक्स्ट 3 इयर्स दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो उसमें हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऐसा लगता है। और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की करंट जो कॉस्ट है दैट इज बिटवीन $3 to $6.5 पर kg। और मिस्टर मुकेश अंबानी जी का ये विजन है कि ये जो कॉस्ट $3 to $6 पर kg है, ही वांट्स टू टेक दैट पर्टिकुलर कॉस्ट डाउन टू $1 पर kg। सो आई थिंक ये एक एम्बिशियस टारगेट है, बट आई थिंक ये एक मतलब भले ही एम्बिशियस है बट अगर स्केल पे किया जाए तो क्वाइट अचीवेबल भी है। एंड दैट्स व्हाट मिस्टर मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू डू। सो लेट्स सी ये कब होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे प्लान्स आते हैं, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी अनाउंस कि कैसे 60,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं इन 4 गीगा फैक्ट्रीज। सो जो जहाँ पे मेजरली ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन होने वाला है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स सब पे ऑलरेडी काम शुरू है। सो वी विल होप, विल जस्ट होप दैट कि आने वाले समय में ये कैसे सारी चीजें होती है, बिकॉज भले ही इंडिया का कार्बन जीरो या कार्बन न्यूट्रल, नेट कार्बन न्यूट्रल होने का जो टारगेट है वो आई थिंक 2075 है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ कॉन्ग्लोमरेट दे हैव दिस टारगेट ऑफ 2035 टू बी नेट कार्बन न्यूट्रल। So let's see कब होता है, कैसे होता है ये चीजें, but I think a step in the right direction is what they have taken, and they want to be the largest producers of blue hydrogen also. So let's see कब होता है, कैसे होता है ये सारी चीजें। दूसरी जो कंपनी है वो है गेल इंडिया लिमिटेड। तो भले ही ये स्टेट रन कंपनी है यानी कि PSU है, but they have very big plans to build India's largest green hydrogen facility over the next 12 to 24 months, मतलब 1 से 2 साल के अंदर they want to build India's biggest, largest green hydrogen facility. So let's see होता है नहीं होता है, because कैसा है, एक तो PSU है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ESG के फैक्टर्स जो है, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो ESG के पैरामीटर्स बहुत ज्यादा हावी होते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है। एक चीज याद रखनी होगी, अगर आपको नेचुरल गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी, जो PSU सेक्टर की हम बात करेंगे, महानगर हो, इंद्रप्रस्थ हो, महाराष्ट्र नेचुरल गैस हो, सो ये बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स है नेचुरल गैस में या पेट्रोनेट LNG हो, आई थिंक सब में गेल का स्टेक है। सो सब ये जो कंपनीज है गेल का कुछ ना कुछ स्टेक है, इन अ वे दे आर सब्सिडरीज ऑफ गेल। And that's why if you want to play natural gas, and now plus with natural gas, I think if you want to bank on green hydrogen, so I think GAIL is one company you can think about. तो उसको आपके रडार पे यहाँ पे आपने रखना चाहिए। वैसे और भी कंपनीज है IOCL and NTPC Limited, who are focusing on this. But I think मुझे लगता है कि natural gas वाला flavor and hydrogen, ग्रीन हाइड्रोजन, ये ब्लेंड काफी सही हो सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट सिलेक्टेड IOCL एंड NTPC, उनके भी नाम शायद पॉपअप हो सकते हैं। अब एल&टी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इंटर होने के लिए काफी कीन है। ऑलरेडी उन्होंने टाई अप किया हुआ है फॉर टेक्नोलॉजी पे भी काम शुरू है। सो एल&टी ने ऑलरेडी पैक्ट साइन किया था नॉर्वे बेस्ड इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरर हाइड्रोजन प्रो AS और वो इंडिया में एक प्लांट भी सेटअप करने वाले है। देन नास्डैक लिस्टेड जो रिन्यू पावर नाम की एक कंपनी है उसके साथ भी दिसंबर मंथ में एल&टी ने टाई अप किया हुआ है एंड दे वांट टू जॉइंटली डेवलप ओन एग्जीक्यूट एंड ऑपरेट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो एल&टी के भी काफी मतलब ये भी एक कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि valuation point of view से looking at their subsidiaries, looking at their core business, looking at their sluggishness जो पहले हुआ है तो बहुत सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही है एल&टी के लिए एंड दैट्स व्हाई एल&टी ये भी एक कंपनी है जो आपके रडार पे यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये तीन ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स का डिस्कशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं और अगर आपको पता करना है कि कोई ग्रीन हाइड्रोजन के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में अवेलेबल है क्या तो investyadnya.in को विजिट कीजिए एंड वहां जाके अगर आप यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। 10,000 रुपीज का मॉडल पोर्टफोलियो यू विल गेट एट 7,000 रुपीज। तो डू सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों। लाइक का टारगेट देना मैं भूल गया था बट एटलीस्ट 5,000 लाइक्स आप जरूर कंप्लीट करोगे मुझे पता है। एंड अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है चैनल पे यानी कि सब्सक्रिप्शन नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।